हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वो भूतनी आईफोन स्टोर से काफी सारे आईफोन उठाकर ले जाती है और गुल्ली बुल्ली खड़े देखते रह जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो अब इस भूतनी से पीछा तो छूटा। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी की आने की आवाज़ आती है। गुल्ली बुल्ली जब बोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो भूतनी फिर से वापस आ गई है। अब की बार वो अकेली नहीं है, वो अपने साथियों को भी साथ लेकर आई है और ये सब आईफोन लुटेरे हैं और आईफोन स्टोर से आईफोन लूटने आए हैं। ये देखकर गुल्ली और गुल्ली स्टोर से फौरन बाहर भागते हैं और छुप कर ये सारा नज़ारा देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि भूतनी और उसके सारे साथी आईफोन स्टोर के अंदर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली का सारा ध्यान उन भूतों की तरफ ही होता है। तभी एक स्केलेटन उनके पीछे से आके उन्हें एक टपली मारता है। गुल्ली बुल्ली उसे देख कर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और गुल्ली को अब उस भूतनी से छुटकारा मिल चुका है। तभी तो आज ही अपने घर से बाहर इतने सुकून के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन गुल्ली और गुल्ली जहाँ भी होते हैं मुसीबत अपने आप ही इनके पास चली आती है और अभी फिर से यही होने वाला है। गुल्ली अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा हुआ है और काफ़ी कुछ दिख रहा है और दूसरी तरफ है गुल्ली जो सुकून से कुर्सी में बैठकर अपने टैबलेट में गेम खेल रहा है और वो इस बात से अनजान है कि एक मुसीबत इधर ही आ रही है। और तभी आईफोन स्टोर का मालिक गुल्ली बुल्ली के पास उनके घर आ जाता है और ये अपने स्टोर के बारे में कुछ बातें करने आया है। आधे ही उसने गुल्ली से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टोर में भूतनी और उसके साथियों का कब्जा हो गया है और अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। गुल्ली कहने लगा कि हम खुद ही बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से बाहर निकले हैं। बाबा ने हमें भूतनी से छुटकारा दिलाया है और अगर तुम्हें भी इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो तुम्हें हमारे साथ बाबा के पास चलना होगा। रात होते ही तीनों बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि बाबा रात में ही मिलते हैं। लेकिन बाबा के पास जाने से पहले तीनों स्टोर पहुँचते हैं और स्टोर पहुँचने पर उन्होंने देखा कि भूतनी अभी भी स्टोर के अंदर है और उसके दो साथी स्टोर से बाहर बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तभी एक स्केलेटन वहां से उठा और गुल्ली के पास आया और कहने लगा कि चले जाओ यहां से वरना हम तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। गुल्ली ने कहा कि ये स्टोर तुम्हारा नहीं है, तुम लोग यहां से चले जाओ वरना हम बाबा को लेकर आएंगे। स्केलेटन कहने लगा कि तुम जिसको चाहे बुला लाओ, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम्हें ये स्टोर चाहिए तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। गुल्ली कहने लगा कि किस तरह का मुकाबला। पीछे से गुल्ली बोला, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, बस तुम ये स्टोर छोड़कर चले जाओ। स्केलेटन बोला, ठीक है, आज रात 12 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, अगर दम है तो आ जाना। गुल्ली बोला, ठीक है, हम 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहकर गुल्ली और गुल्ली वहाँ से चले गए। लेकिन अभी वो बाबा के पास जा रहे हैं क्योंकि बाबा को बताना भी ज़रूरी है। उन्हें नहीं पता कि आज रात वो लोग किस तरह की लड़ाई करने वाले हैं। बाबा भी उनके साथ चलेंगे तो ज़रूर गुल्ली और गुल्ली ये मुकाबला जीत जाएंगे। वहाँ पहुँचकर गुल्ली गुल्ली की तरफ देखा है और कहता है कि अब क्या होगा, क्योंकि बाबा तो तपस्या में लीन है। पिछली बार भी इन लोगों ने बाबा की तपस्या भंग कर दी थी। गुल्ली बाबा के पास पहुँचता है लेकिन वो बाबा की तपस्या भंग नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से वापस चला जाता है। और अब ये लोग सीधे स्टोर जा रहे हैं क्योंकि अभी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट की बाकी है और स्टोर का मालिक टोटा के मारे अपने घर ही भाग गया। गुल्ली बुल्ली जैसे ही स्टोर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर के बाहर तो एक WWE का रिंग बना हुआ है और वहाँ पे एक लैडर भी रखी हुई है। उसके थोड़ा और ऊपर एक चैंपियनशिप बेल्ट रखी हुई है जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है। इसको देखने के बाद गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर की तरफ पड़ने लगे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो पहलवानी चालू हो गई है। स्केलेटन अपनी मदद बनाने में लगे हुए हैं, शायद आज ये गुल्ली बुल्ली को हराने वाले हैं। तभी भूतनी ने गुल्ली बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए हाथ उठाया तो स्केलेटन भी गुल्ली बुल्ली को देखने लगे। तभी गुल्ली ने कहा कि तुमने हमें मुकाबले के लिए 12 बजे बुलाया था और अभी ठीक 12 बजे हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मुकाबला अब शुरू होने वाला है। इस मैच का नियम यह है कि दोनों टीम का एक एक मेंबर ही रिंग के अंदर मुकाबला करेगा जबकि दूसरा मेंबर रिंग के बाहर खड़ा रहेगा और बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके हाथ बेल्ट लगेगी वही विनर होगा और ये स्टोर भी उसी का हो जाएगा। तो चलो अब मुकाबला होता है शुरू। बराबरी पर है, स्केलेटन ने बेल्ट पकड़ लिया है लेकिन गुल्ली ने मार मार के उसे नीचे ही गिरा दिया और अब ये गुल्ली के हाथ में चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि गुल्ली मुकाबला जीत जाएगा लेकिन दूसरे स्केलेटन ने चीटिंग करते हुए रिंग के अंदर आकर लैडर गिरा दिया, साथ में गुल्ली भी नीचे गिर पड़ा। ये देखकर गुल्ली रिंग के अंदर आ गया और बस दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ और फिर क्या ऊपर क्या नीचे और फिर लगा दी स्मैक बाहर। मुझे तो इस बात का डर था कि स्केलेटन की अंडरवियर कहीं उतर ना जाए और फिर गुल्ली सीधा लैडर पे चढ़ते हुए टॉप तक पहुंचता है और बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है लेकिन तभी पहले वाला स्केलेटन वापस आ जाता है और लैडर को हिला हिला के गुल्ली को नीचे गिराने की कोशिश करता है और लैडर गिर जाती है लेकिन गुल्ली बेल्ट पकड़ के लटक जाता है और तभी गुल्ली पीछे से स्केलेटन को जोरदार मारता है और स्केलेटन भी गिर जाता है। लेकिन गुल्ली अभी भी बेल्ट पकड़ के लटका हुआ है और बेल्ट निकलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन गुल्ली बेल्ट को छोड़ता नहीं है और फिर झटके से वो बेल्ट खुल जाती है और गुल्ली उसे लेकर नीचे गिर जाता है। क्या बात है, गुल्ली और गुल्ली मैच जीत चुके हैं।
लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदल जाती है। अब वो गोटियों से लड़ने आ रही है जबकि मुकाबला तो दूर लोगों से था और बुली बुली ये मैच जीत चुके हैं और बुली बुली ये जानते हैं कि अगर खुशी से उनका मुकाबला हुआ तो वो जीत नहीं सकते। लेकिन तभी मोती बुली बुली की तरफ जाते जाते रुक जाती है, शायद उसने किसी को देख लिया है। ओह माय गॉड, ये तो बाबा है। अब मोती का मुकाबला थी बाबा से होगा और मोती बाबा से जीत ही सकती। बाबा धीरे मोती की तरफ दौड़ लगाते हैं और ये देख लिया स्पीयर, मोती का चोटे हुए स्पीयर चारों खून से लिपटी है मोती और ये मुकाबला जीत लिया है बुली बुली ने। और अब से ये स्टोर बुली बुली का हुआ क्योंकि जिसका ये स्टोर था वो तो भूतों से डर के भाग चुका है। और इसी के साथ ये आईफोन स्टोरी भी यहीं कंप्लीट होती है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस भूतनी को जिसका नाम है तोतिया। दरअसल ये रियल में कैसी दिखती है आप ही देख लीजिए।